इसके खिलाफ हम लोग उठे हैं आज हर जगह पे दुनिया में, जहाँ टीवी में देखें पेपर में मजम्मत हो रही है। मानगो जवाहर नगर स्थित एक स्कूल की प्रचारक रंगदारी मांगने की घटना सामने आई है। प्रचार्य को रंगदारी नहीं देने पर जान से मारने की धमकी भी दी गई है। एक तरफ पाकिस्तान की घटना को देखते हुए विभिन्न संगठनों द्वारा प्रशासन से स्कूलों की सुरक्षा बढ़ाने की की जाए और दूसरी ओर मानगो जवाहर नगर रोड नंबर 14 स्थित कबीर मेमोरियल इंग्लिश स्कूल की संचालिका सह प्रचार्य इशरत परवीन को उसी मोहल्ले के रहने वाले अनवर हुसैन नामक युवक ने 10,000 रुपयों की मांग की। प्रचार्य ने बताया कि पैसे न देने पर जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है। कुछ लोगों ने, अनवर हुसैन ने मुझे बहुत दिन परेशान कर रखा है, हर महीना 10,000 रुपए मुझसे मांगता है रंगदारी के तौर पे और नहीं देने से जान मारने तक की धमकी देता है। अलग अलग लोग भेज कर परेशान करता, कभी कोई आके यहाँ हल्ला करके जाता, गाली करके जाता है, कभी कोई, इससे मेरी स्कूल की छवि बिगड़ रही है। ठीक है, इन लोग स्कूल को भी बंद कराना चाहते हैं। कितने बच्चे आपके स्कूल में पढ़ते हैं? स्कूल में तो अभी 150 करीब बच्चे हैं और ज्यादातर गरीब के ही बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, ऑटो वाले। और अनवर हुसैन जो है वो कुछ संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त रहता है, जैसे सट्टाबाजी, आपका मैच फिक्सिंग, IPL मैच फिक्सिंग है, जब तक चलाता है। ठीक है, इसकी लिखित शिकायत आप थाना को दी? लिखित शिकायत इन लोगों ने हल्ला वगैरह किया था तो दिया, और इसकी जानकारी मैंने बहुत ऊपर से करवाई थी, तो मानगो प्रशासन जो है उसके खिलाफ कोई कार्रवाई कर। कूलियों की समस्याओं का कोई अंत नहीं है। कड़कड़ाती ठंड में कूलियों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। टाटा नगर स्टेशन में लोगों के सामान का बोझ ढोकर जीविका चलाने वाले कूलियों के लिए कोई माकूल व्यवस्था नहीं है। भर पसीने बहाने के बाद रात में सोने के लिए कोई कमरे की भी व्यवस्था नहीं, उन्हें बाहर ही कड़ाके की ठंड में रात गुजारनी पड़ती है। इसके अलावा कई बिना पंजीयन प्राप्त कूली भी वहां काम करने लगे हैं। सर, हमारा दिक्कत सबसे ज्यादा अभी ठंडे के दिन है, हमारा रहने के लिए रूम की व्यवस्था नहीं है। हमारे कूली प्लेटफॉर्म उधर बाहर एक छोटी सी रूम है जिसमें भी कोई, जिसमें हम लोग व्यवस्थित ढंग से नहीं रहने पाते। कितने कूली है टाटा नगर में टोटल? 107 कूली है। तो कहाँ रह रहे हैं आप लोग अभी? हम लोग ऐसे बाहर सन में प्लेटफॉर्म में इधर उधर दो चार कुली का रहने का उसमें जगह है। DRM सर से हम लोग बात करना चाहते हैं, उसमें हम लोग सब आदमी जाने वाले हैं। DRM सर से कारण ठंडे के दिन है सर, बहुत सारे कुलियों का ठंडा मार दे रहा है, बीमार हो जा रहे हैं। इस तरह से बीमारी होगा तो जो पैसा 10 रुपये कमाता है दवाई वगैरह में खर्चा हो जा रहा है। आयु के सबसे बड़े त्योहार क्रिसमस में सेंटा क्लॉज का बहुत महत्व होता है। सेंटा क्लॉज की मांग को देखते हुए बाजार में तरह तरह के सेंटा क्लॉज उपलब्ध हैं। इसके सबसे बड़े पर्व क्रिसमस में सेंटा क्लॉज की बहुत मांग होती है। खासकर बच्चों को सेंटा बाबा का इंतजार रहता है क्योंकि वे उनके लिए तरह तरह के उपहार लाते हैं। बाजारों में 100 रुपए से लेकर 2,000 रुपए के सेंटा क्लॉज उपलब्ध हैं। हमेशा ही कुछ स्पेशल आइटम आते हैं मार्केट में, जिसमें चाइना का ही माल जो होता है प्रमुख रहता है। चाइनीज आइटम जो खिलौना जो है एक से एक क्वालिटी की आई है, हर ट्रेड में है, जिसमें एक्टिविटीज़ की अलग डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज़ है। बच्चों को काफ़ी पसंद आ रहा है खिलौना, और मेरे ख्याल से जमशेदपुर में कम से कम 5 या 6 मिशनरी स्कूल हैं, जिसमें कि स्कूल में डेकोरेट करने के लिए बच्चों से डिमांड किया जा रहा है। तो उसके एवज में बच्चे ज़्यादा खुश होते हैं कि गिफ्ट भी मिल रहा है और खिलौना भी अवेलेबल हो जा रहा है। हमारी दुकान बच्चों की अच्छी खासी भीड़ नजर आ रही है। मशहूर नृत्यांगना तनुश्री शंकरन ने कहा कि नृत्य एक ऐसी कला है जिससे सुनहरा भविष्य बन सकता है। जरूरत है प्रयास, विश्वास, मेहनत और समर्पण की। जानी मानी नृत्यांगना तनुश्री शंकरन ने कहा कि नृत्य एक शानदार कला है और इस कला की अभिव्यक्ति और भाव भंगिमाओं के जरिए ही सब कुछ कहा जा सकता है। जमशेदपुर कार्निवाल में नृत्य पेश करने आई तनुश्री ने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों में अपना करियर तलाश रहे युवाओं के लिए नृत्य एक अच्छा विकल्प है।
auditorium got inaugurated, it was visited by Anand Shankar. बहुत बहुत पुराना नाता है हमारे यहाँ के स्कूल के साथ एंड इट्स रियली एन ऑनर टू बी बैक हियर फॉर सच अ वंडरफुल इवेंट विच इज अ गुड और ये मौसम भी ऐसा है यू नो वी वेयर यू रियली मेक पीपल हैप्पी अभी हमारे यू नो ऑल अराउंड अस वी आर ऑल टेरिबल न्यूज ऑल द टाइम बट उसके बीच में वी ऑल नीड टू बी मूविंग फॉरवर्ड स्पिरिट ऑफ हैप्पीनेस जो जितना हम एक साथ इसको एक साथ करेंगे दैट वाइब्रेशन विल बी व्हाट इज गोइंग ऑन अराउंड एज डांस नाउडेज जो आप देखेंगे इसमें वो ज़्यादातर जिमनास्टिक्स और एक्रोबैटिक्स ये सब है विच इज़ नॉट बैड बहुत ही अच्छा है लेकिन इट्स नॉट डांस